हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असलम हार्डवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैनलिंग जाली के बारे में, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल से इस जाली के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका वजन कितना होता है, कितने इसकी थिकनेस होती है, कितने इसका मोटा तार होता है, क्या रेट में आपको ये मार्केट प्राइस में मिल जाती है, कैसे आपको परचेस करनी, ये सब कुछ दोस्तों वीडियो में कम्प्लीटली होने वाला है। तो वीडियो आपको पूरी कम्प्लीटली लास्ट देखनी है, वीडियो आपको पूरी पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हाइट बताता हूं दोस्तों, इस बंडल की ऊंचाई कितनी, ये 5 फीट दोस्तों पूरा का पूरा बंडल ऊंचा है, मतलब लंबाई में दोस्तों ये पूरा का पूरा आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं इसकी हाइट बताता हूं आपको, ये पूरी की पूरी हाइट इसकी 5 फीट ऊंची है, मतलब 5 फीट दोस्तों ऊंचा है। और इसकी जो तार देख सकते हैं दोस्तों, इस तार की मैं थिकनेस बताऊं आपको, तो दोस्तों ये तार की जो थिकनेस है वो 3 mm इसकी थिकनेस है, मतलब ये 3 mm मोटा तार है। और दोस्तों आगे से जो इसका गुच्छा बना होता है, मतलब ऐसे जो बट देके आगे से दिखाया जाता है, मैंने आपको अभी दिखाया था, तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी चैनलिंग जाली जो आप बाउंड्री पे लगाते हैं खेत पे या फिर किसी गार्डन वगैरह में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नीचे से खुलती नहीं है, तो इसलिए इसको गुच्छा बनाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इस टाइप से बांध रखा है क्योंकि कहीं पर भी आप इसे उठा के ले जाते हैं तो जाली खुलती नहीं है, कुछ इस टाइप से ही इसका बंडल बनता है। आपको मैंने इसके तार की मोटाई तो बता दी है और अब मैं इसके आपको लंबाई बता देता हूँ, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसके वजन पर डिपेंड करता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। अभी इसका जो वजन है दोस्तों वो 40 किलो, ये पूरा का पूरा बंडल फिक्स है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है, इसका वजन 38 से 42 किलो के बीच में ये पूरा का पूरा बंडल आता है। लगभग मैक्सिमम जो इसका वजन होता है दोस्तों वो 40 किलो इसका वजन होता है। और मार्केट में जो दोस्तों इसका हमारे यहाँ पे प्राइस चल रहा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, 85 रुपये के जी हमारे यहाँ पे चल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 85 रुपये के जी में आपको ये हमारी शॉप असलम हार्डवेयर पे कंप्लीटली मिल जाता है। अगर आपको खरीदना है तो कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप हो सकता है आप यूपी से हो, बिहार से हो, कर्नाटक से हो या फिर आंध्र प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो सकता है आपके यहाँ पर इसकी फैक्ट्री ना हो, तार की फैक्ट्री ना हो, बंडल नहीं मिलता हो, तो हमारे यहाँ से बन के जाता हो या फिर दिल्ली से जाता हो, कहीं से भी जाता हो, तो वहाँ पे आपका टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता हो, तो वहाँ पे आपको ये बंडल महंगा मिल सकता है। तो नीचे आप मुझे कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि आप इतना बंडल सस्ता कैसे दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो महंगा मिल रहा है। तो ये टैक्स वगैरह का रहता है दोस्तों, अदर अदर स्टेट के अलग अलग टैक्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बंडल महंगा भी मिल सकता है और थोड़ा बंडल सस्ता भी मिल सकता है। हमारे यहाँ पर तो दोस्तों ये 85 रुपये के जी के हिसाब से चल रहा है। और दोस्तों अब मैं इसे लंबाई बता दूँ आपको, इस बंडल की पूरी पूरी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बंडल 100 फीट लंबा होता है, जो कि आप देख सकते हैं कहीं पर भी आप लगाना चाहें तो 100 फीट ये पूरे का पूरा खुल जाता है। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा गुच्छा कि इस टाइप से बना होता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों अगर मैं आपको इसका हिसाब बताऊँ तो आप देख सकते हैं 40 किलो का ये पूरा का पूरा बंडल आता है। एक मैक्सिमम अपन इसका एवरेज पकड़ के चलें 40 किलो अगर इसका वजन आता है, अगर आप उसे इंटू 85 मतलब 85 रुपये से करेंगे तो 3400 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा बंडल कम्प्लीटली मिल जाएगा। और अगर अलग अलग साइज भी आते हैं दोस्तों तो मैं आपको साइड में एक पर्ची पे लिख के बता देता हूं, जो कि आपको साइड में दिख रही होगी, वहां पे इसका एक बंडल आते हैं इसी साइज के और इसी वजन के, तो वहां पे आप इसका एस्टीमेट देख सकते हैं कि कितना वजन बैठता है, कितना ये फिट निकलता है और कितने में आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको खरीदने तो कुछ लिंक्स तो मैंने नीचे दिए ही हैं, अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं जाली के बारे में, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है हमारे चैनल पर जाली से रिलेटेड, बंडल से रिलेटेड, कांटेदार वायर से रिलेटेड, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।